कांग्रेस नेता पर आरोप लगे। जोलपुर में कांग्रेस नेता राममूर्ति मिश्रा के ऊपर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। रामपुर जोगनीमाई मंदिर रीवा कॉलोनी के बाशिंदों ने आरोप लगाया है कि इलाके के लोगों का कहना है यहां पर वह लगभग 50 साल से रह रहे हैं, पर अब कांग्रेस नेता राममूर्ति मिश्रा उन्हें अवैध तरीके से हटाने की कोशिश में लगे हैं। नागरिकों का कहना है कि जिस जमीन पर वह रहते हैं उस जमीन पर लंबे समय से काबिज हैं। यही नहीं, मामले की शिकायत उन्होंने सीएम और कलेक्टर से भी की है, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वह राममूर्ति मिश्रा के रसूख के आगे रहवासियों की कोई बात नहीं सुनते, लिहाजा उन्हें नोटिस थमा दिए गए हैं, जगह खाली कर दें। रहवासियों का कहना है कि यदि उन्हें यहां से हटाया गया तो फिर वह आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए शासन प्रशासन की उनसे गुहार है कि मामले में प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उनकी बात सुनी जाए। 50 से ज्यादा हो गए बेटा हमको, यहाँ 50 से ज्यादा हो गए हमको। हमको वो राममूर्ति आके परेशान करता है, कहती ये हमारी जगह है करके। हमारे तो हो गए 50 साल तो यहाँ रहने को हो गए, पाँच 10 साल पहले यहाँ मकान बना है। ये हमारी जमीन है, ने खरीदे माल गुजार से, पहले वहाँ से खरीदे रहे, वहाँ ढाल था तो वो छोड़ के यहाँ पर हमने जमीन ली है। राममूर्ति परेशान करता है, ये हमारी जमीन है, खाली करो। अब बहुत करी भैया, बहुत तो करे हैं घर वालों ने। हमारा नाम शकुंतला प्रजापति, ये सामने हंसा दुकान के बाजू में। हम लोग राममूर्ति से विवादित केस के विषय में बोल रहे हैं। हम लोगों के ये गरीबों के घर हटाने के लिए उसने तहसीली से मतलब हम लोगों को ऑर्डर कर दिया है कि गरीबों के घर हटाए जाए, जो कि हम लोगों की 4-5 पीढ़ियां हो चुकी हैं यहाँ पर। उन लोग के पास पट्टा बस बटने आए थे, लेकिन हम लोगों को पट्टा नहीं देने दिया। हम लोगों की 6/1 की जमीन है, वो बता रहा है 24/1। हमारे बाजू में भी जो पट्टा मिला हुआ है वो 6/1 का है, और इस तरफ भी पट्टे हैं वो भी 6/1 के हैं, लेकिन वो बोलता है नहीं ये जमीन 24/1 में। हम लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय गए हुए थे, वहाँ पे जन सुनवाई में हमको बोला गया कि धारणा अधिकार के तहत इनको पट्टे दिए जाएं। आज भी उनने लिख कर दिया कि यहाँ से तहसील जाओ, जब तहसील जाते हैं तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं होती होता है। हम ये चाहते हैं कि हमको पट्टा प्रदान किया जाए और अधिकार दिया जाए रहने का। वो चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे आरआई हो, पटवारी हो, पैसे के बल पे, पैसे के कारण इतना तक है कि जैसे अगर तहसीलदार यहाँ पे आए थे एक बार, तो जो वो बताता है पदम मिश्रा कि ये रास्ता यहाँ से है, ये जगह यहाँ है से है, तो वो उसी की मानते हैं। अगर कोई बताता है कि नहीं भैया ये इतने बटे में है, वो तहसीलदार भी नहीं मानते। जो पदम रास्ता और पदम मिश्रा जो बताता है कि इतने बटे इतने में है, तो तहसीलदार भी उसी की बोली बोलता है। हम लोगों की शिकायत यही है कि हम लोगों को पट्टा प्रदान किया जाए। हम लोग को 40 से 50 वर्ष हो चुके हैं। प्रीति पटेल, यही वाला घर। हम लोगों को राममूर्ति बहुत परेशान करे है, आज से 20 साल हो गए। फिर हमने मुख्यमंत्री को फैक्स भेजा था, उसमें वहाँ से कलेक्टर संजय दुबे थे, उस समय हरिरंजन राव एसडीएम थे, उनने लिख के दिया, लेकिन उसके बाद भी आरआई लोग कुछ नहीं देखते, बोले थे जी फालतू कागज़ हैं, इसको कुछ मतलब नहीं। उनने लिख के दिया था कि ये तुम्हारा पट्टा है, आज तक आज के बाद तुमको, तुम नजूल की ज़मीन में हो और तुमको कोई नहीं हटा सकता। और फिर उसके बाद पार्टी बदल के इनने, और अब दूसरी पार्टी में आके हम लोग को फिर परेशान करने लगे। जोगनी मंदिर के पास और रीवा कॉलोनी प्रेमलाल कुशवाहा। जोलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।